Realme Buds Air 2, इसको मैं टीवी के साथ ट्राई कर रहा था और जो आउटपुट मिले वो काफी इंटरेस्टिंग है। हाय, मैं अभी दिल्ली डेट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे जो गले का हालत काफी खराब है। मैं वेट कर रहा था कि ये ठीक हो जाए, मगर धीरे धीरे वक्त लगेगा। शायद वीडियोस भी बनाने थे आपके लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेले में जो घूमता हुआ जो चेयर होता है ना, उसमें घूम रहा था और काफी मैंने चिल्लाया तो गले का हालत खराब हो चुका है। तो सोचना चाहिए था एक्चुअली मुझे, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही हो गया ना। जो भी है, अपने लोग हैं, आई थिंक आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे Realme Buds Air 2 के टीवी के साथ कैसा आउटपुट मुझे मिला। आपको पता है कि इस तरह का सेगमेंट मैं स्टार्ट कर चुका हूं। पहले मैंने ओप्पो इनको बर्ड्स के साथ मैंने ऐसा ही वीडियो बनाया था कि टीवी के साथ आपको कैसा आउटपुट मिलता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा Realme Buds Air 2 के साथ टीवी के कनेक्शन कैसा होता है स्मार्ट टीवी के साथ और किस तरह का आउटपुट मुझे मिला, और आखिर में बताएंगे कि ओप्पो इनको बर्ड्स के कंपेरिजन में इसमें क्या अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, रात को अगर मूवीज देखना चाहते हैं, साउंड इफेक्ट का मजा लेना चाहते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो ये जो वायरलेस ईयरफोन होते हैं काफी यूजफुल होते हैं आज के समय पे। कोई नहीं आपको दिखाएगा कि टीवी के साथ क्या आउटपुट मिलता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो आपकी टीवी के ब्लूटूथ होना जरूरी है। तो सेटिंग में जाके आपको रिमोट एक्सेसरीज में जाके क्लिक करना होगा, वहां पे आपको ऐड एक्सेसरी में जाके ऐड करना होगा और ऑटोमेटिक टीवी जो है ब्लूटूथ ऑन करके उसको सर्चिंग में चला जाएगा। आपको अपना जो Realme Buds Air 2 उसको खोल के पेयरिंग मोड में रखना है और थोड़ी देर बाद, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी आ चुका है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये पेयर हो जाएगा। तो काफी आसान तरीके से हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसके जो वॉल्यूम लेवल है, यहाँ पे 60-65% वॉल्यूम टीवी में आपको 65 रखना होगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल जो वॉल्यूम होते हैं उससे ज्यादा ही रखना होगा। तो कोई इशू नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप 65 तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला। मैं इसके साथ काफी देर तक मैं ये मूवीज देख रहा था, कुछ गाने सुन रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था। पहले बात करते हैं मुझे क्या बुरा लगा। ठीक है, खराब तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा, बस ऐसा है कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम है यहाँ पे, नंबर वन। नंबर टू, साउंड इफेक्ट थोड़ा सा बेहतर होता तो अच्छा होता। ठीक ठाक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ। जो साउंड इफेक्ट वो उतना ज्यादा नहीं, मतलब अगर कुछ मूवीज देख रहे हैं जहाँ पे फाइटिंग सीन है, अच्छा खासा मतलब साउंड के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पे मैं कहूंगा कि वॉल्यूम आपको अच्छा मिल जाए, सब कुछ सही है। मगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ तो जो राइट लेफ्ट राइट चैनल होते हैं ना, वो जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ थिएटर में बैठे हो या फिर कुछ अलग सा सर के अंदर जैसे वो आवाज बज रहा है, कोई बात कर रहा है जैसे बिल्कुल कानों के पास कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल एक, अब जैसे आप फोन में लगा के जैसे देखते हैं कुछ मूवीज, तो ऐसा ही नॉर्मल। आप बात करते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे अच्छा लगा, तो कहूंगा इसकी कनेक्शन स्पीड काफी अच्छा है। इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं डिसकनेक्ट करके कुछ देर बाद फिर मैं इसके डब्बिया अगर खोलता हूँ ना, टीवी के साथ अचानक ही कनेक्ट हो जाता है, तो ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे इंस्टेंट ये थोड़ी देर में ही कनेक्ट हो जाता है टीवी के साथ, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती। अगर बीच में कोई अगर और डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं तब अलग बात है, मगर आप इसी के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हालांकि कभी कभी हिट एंड मिस है, मतलब ये हर बार नहीं होता, कभी कभी आप फिर से दोबारा जाके कनेक्ट करना पड़ता है सेटिंग में जाके। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहूंगा लेटेंसी यहाँ पे बहुत कम है, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल फर्क पता नहीं चल रहा था, काफी मतलब बड़ी स्क्रीन में मैं देख रहा था, कुछ ऑकवर्ड आपको नहीं लगेगा, कुछ आप देख रहे हैं आप मूवीज, आपको नहीं लगेगा कि जो बंदा है वहाँ की उसके लिप्स जो है वो आगे चल रहा है और उसका जो वॉयस है वो थोड़ा सा देरी से मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया यहाँ पे। सिंक्रोनाइज काफी बेहतरीन है यहाँ पे मैं कहूंगा। आप बात करते हैं कि ओप्पो इनको बड्स और इसके साथ अगर मैं दोनों का मैं टीवी के साथ कनेक्ट करके देख चुका हूँ, बाय साइड देख रहा था मैं, कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिक्स्ड है, मतलब कोई क्लियर विनर यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूं ओप्पो इनको बड्स की, तो मुझे ओप्पो इनको बड्स की जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, जो पता नहीं डॉल्बी एटमॉस कुछ काम कर रहा था शायद, जो सेपरेशन है ना चैनल का राइट एंड लेफ्ट, वो कभी कभी लग रहा था कि कुछ कानों की लेफ्ट साइड से कुछ हो रहा है धमक, राइट में कुछ हो रहा है, कुछ गाड़ियां निकल गई, तो साउंड जो है काफी आप सर के अंदर आप महसूस करेंगे। मूवीज देख रहे हैं जहाँ पे साउंड इफेक्ट काफी बढ़िया है, वो आप महसूस करेंगे, आप
आपको लगेगा कि आप थिएटर में ऐसा कुछ फील होगा, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मगर पता नहीं क्यों यहाँ पे लेटेंसी यहाँ पे ज्यादा है ओपन इनक्यूबस में। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, मैं गेम मोड ऑन करके ही देख रहा था, तो गेम मोड ऑफ करके अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लेटेंसी आपको महसूस होगा, ऑन करके ही देखना पड़ेगा। तो ऑन करके ही मैं देख रहा था, वहां पे कम हो गया लेटेंसी, मगर फिर भी मैं कहूंगा वहां पे नोटिसेबल थोड़ा सा है। बट ऐसा नहीं कि आप एंजॉय नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है। और उस हिसाब से मैं कहूंगा Realme Buds Air 2 का बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो उस हिसाब से Realme Buds Air 2 यहाँ पे विनर है। मगर साउंड की बात करें तो इफेक्ट जो है मैं एंजॉय कर रहा था ज्यादा, पता नहीं कुछ तो है, बहुत ही मतलब डिफरेंस बहुत कम है। मगर मैं कहूँगा जहाँ पे आपकी जो मूवीज़ है जहाँ पे साउंड इफेक्ट बहुत मैटर करता है, बहुत अच्छा साउंड वहाँ पे मिलता है आपको, तो वहाँ पे मैं कहूँगा ओप्पो इनक्यूबस की साउंड जो इफेक्ट जो सर के अंदर जो आ रहा था ना मेरे कानों के थ्रू, मतलब मैं फील कर रहा था अजीब तरह से। आपको कैसे बताऊँ, ये एक फीलिंग की बात है। मैं दोनों को सुन रहा था, दोनों ही अच्छे हैं मूवी देखने के लिए, मगर तो हल्का सा जो बेहतर लग रहा ना, मतलब जो अच्छा फील दे रहा था वो है ओप्पो इनक्यूबस। वहाँ के जो साउंड इफेक्ट है वो बिल्कुल थिएटर लाइक मिल रहा था मुझे। Realme Buds Air 2 अच्छा है, मगर तो उससे थोड़ा सा कम मैं एंजॉय कर रहा था वहां पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से ओप्पो इनक्यूबस बेहतरीन है, मगर अगर प्राइस को छोड़ दिया जाए, अगर ना देखा जाए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे Realme Buds Air 2 विनर है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा सा अगर वो थिएटर लाइक एक्सपीरियंस बात भी दे दे, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर ले कि हाँ ठीक है, मैं दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा था, इसलिए मुझे पता चला अगर कोई अगर Realme Buds Air 2 सुन रहा है ना, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा ये तो बेहतरीन है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, Realme Buds Air 2 में आपको लेटेंसी कम मिलता है तो, और कनेक्शन स्पीड भी काफी तेज है, स्टेबिलिटी काफी अच्छा है वहाँ पे, तो इसके कारण मैं कहूंगा Realme Buds Air 2 का टीवी के साथ बेहतरीन कनेक्शन है, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप दोनों को साइड बाई साइड नहीं सुन रहे होंगे ना, तो आपके लिए बेहतरीन है। तो ये था वीडियो, इस तरह का बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा, और पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं, फिर मिलते हैं।